Magnetism is the process of downloading different kinds of energy from the universe by some special process and using the same energy for treatment, healing, development, goal achievement, सो मैग्नेटिजम वी आर लिविंग इन द ओशन ऑफ एनर्जी हम एनर्जी के समुद्र में रह रहे हैं और चूंकि डॉक्टर अतुल जी हैं ये जो ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का ये उसमें उसकी एनर्जी भी देखते हैं दूसरा कोई भी डॉक्टर तो केवल लिया देखा सिम्टम्स देखे और गोली लिख दी ये उसकी एनर्जी उसका कॉज कॉज कारण क्या है उस रोग के रूट कॉज तक जाके फिर ट्रीटमेंट देना तो मैग्नेटिज्म अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी का विज्ञान है जिसमें विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त विभिन्न ऊर्जाओं को एक विशेष मंत्र के द्वारा जो सिद्ध मंत्र होता है वो उस एनर्जी को कॉल करने का मंत्र होता है और एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा हम उस एनर्जी को कॉल करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल्स सुपर एडवांस लेवल मास्टर लेवल ग्रैंड मास्टर लेवल गैंडाम लेवल संडनीज लेवल तो देर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ लेवल्स इनकेस ऑफ मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म अपने आप में वेरी वेरी पावरफुल वी कैन से मंत्र ऊर्जा के द्वारा हम चाहें तो मनी एनर्जी कॉल की अगर आपका जो मनी का इश्यू है मनी आना कम हो गया है बिजनेस धंधा कम हो गया है तो उसके लिए आपकी मनी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और पैसा आने के सारे रास्ते आपके ओपन हो जाते हैं इसी तरह से पारिवारिक या सोशल एट्रैक्शन सामाजिक सद्भाव प्रेम पर्सनालिटी सिक्योरिटी तमाम तरह की ऊर्जाएं हैं जो एनर्जी डिफरेंट काइंड्स गेंडाम लेवल भी उसमें सबसे हाईएस्ट पावरफुल और सनडिनिज तो मैग्नेटिज्म में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को हम कॉल करते हैं आवाहन करते हैं और उन मंत्र ऊर्जाओं से लोगों के इशू को सॉल्व करते हैं चाहे वो उसके ट्रीटमेंट और हीलिंग से रिलेटेड इशू हो या उसका डेवलपमेंट और गोल अचीवमेंट से रिलेटेड इशू हो मैग्नेटिज्म इज वेरी वेरी पावरफुल टूल फॉर ट्रीटमेंट हीलिंग एज वेल एज फॉर डेवलपमेंट एंड गोल अचीवमेंट इन ह्यूमन लाइफ तो मैग्नेटिज्म है जो वो अपने आप में बहुत पावरफुल है और आप लोग ये सारे लेवल सीखेंगे गेंडाम लेवल तक और संडनीज लेवल तक उसके आगे भी जो होगा वो भी मैं आपको लोगों को सिखाऊंगा तो मैग्नेटिज्म अपने आप में अल्टीमेट है बहुत ही पावरफुल है निश्चित रूप से मैग्नेटिज्म हर व्यक्ति को सीखना चाहिए और उसका प्रयोग अपने जीवन में अपने परिवार के कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए